हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दीप अकाउंटिंग पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टैली में। दरअसल क्या हुआ कि मेरे पास एक मेल आया है किसी व्यूवर का, उनका एक क्वेरी है। पहले हम आपको वो क्वेरी दिखाते हैं। उनका ये क्वेरी है कि मैं एक इवेंट मैनेजर हूँ, मेरा व्यवसाय सेवा प्रदान करना है। मैंने एक ग्राहक एक्स वाई जेड को सेवा प्रदान की, उसकी राशि 2,74,100 रुपये थी। मैं इतना का बिल रिसेवल जर्नल एंट्री दर्ज कर रहा हूँ। बिल रिसेवल खाता करंट एसेट ग्रुप में आता है और ग्राहक एक्स वाई जेड का खाता सन्डरी डेटर्स ग्रुप में। मेरे लिए दुविधा यह है कि मैं किसी भी ग्राहक का बिल सेल्समैन नहीं बनाता हूँ, क्योंकि हम कोई सामान नहीं बेच रहे हैं और ना ही हमारा जीएसटी नंबर है। तो सबसे पहले हम आपको ये क्लियर कर देना चाहते हैं यहाँ पे कि आप पहले अपना ये दिमाग से ये निकाल दीजिए कि अगर आप कोई सामान नहीं बेच रहे हैं तो, या जीएसटी नंबर आपका नहीं है, तो आप सेल्स में उसको एंट्री नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, जीएसटी में दो तरह का चीज होता है, जीएसटी हो या अब जो जीएसटी आने के बाद जो टर्म आ गया है गुड्स एंड सर्विसेज। तो आप या तो गुड्स बेचिए या फिर आप अपना सर्विस बेचिए। सेल ऑफ सर्विस और सेल ऑफ गुड्स दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन दोनों को आप सेल ग्रुप के अंदर रख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आप सेल ऑफ सर्विस का एक बना सकते हैं लेजर और उसको सेल्स के अंदर में आप रख करके आप अपना काम कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप ये तो पहले दिमाग से निकाल दीजिए कि हम सेल में इसको नहीं एंट्री कर सकते। उसके बाद ये कहते हैं कि मोटा मोटी हम एक अमाउंट तय कर देते हैं ये, और उसमें उसका काम जो है कर देते हैं। उसके बाद इसको बिल रिसेवल की जनरल एंट्री करते हैं और खाते का लेन देन जो है उसको वो चाहते हैं कि कैसे किया जाए। उसके बाद ये अपना वो एक करके दिखाए हैं कि क्या वो पूछ रहे हैं कि क्या हम जो किए हैं वो सही है या नहीं, तो ये एंट्री आपका गलत है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहे हैं, इसके बाद ग्राहक ने मुझे एक दिन बाद कुछ रुपए दे दिया। उसके बाद ये रसीद का एंट्री उन्होंने किया जो कि ये ठीक ठाक है। बट अब देखिए, अब इसका इसका जो अब हम एक्चुअली में आप जो कर रहे हैं, जो जैसे आप यहाँ पे बैलेंस शीट देख रहे हैं तो आपको वो नेगेटिव बैलेंस दिख रहा है, वो क्यों दिख रहा है और उसका समाधान क्या है, हम इस वीडियो में वही चीज आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। तो हम एक सबसे पहले हम यहाँ पे टैली ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे टैली एक ओपन किया, हम एक नया कंपनी क्रिएट किया है, नैन्सी इवेंट सर्विसेस। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वाउचर में जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, हम F8 में सेल्स में हम सबसे पहले उसका एंट्री कर लेंगे। ठीक है, सेल्स में कंट्रोल एच प्रेस करेंगे हम, तो यहाँ पे आइटम इनवॉइस है, अकाउंटिंग इनवॉइस है, तो हम यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस को चूज कर लेंगे। ठीक है, आप सेल्स में भी एंट्री कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट जर्नल में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फर्क क्या है, हम दोनों आपको करके बताएंगे। यहाँ पार्टी अकाउंट नेम आ गया मेरा, तो पार्टी अकाउंट नेम मेरा क्या हो गया, मान लीजिए आप जो एग्जाम्पल में लिए थे हम वही एग्जाम्पल लिख दिए, एक्स वाई जेड डेटर्स कर देते हैं मान लीजिए। ठीक है, एक्स वाई जेड डेटर्स ये आ गया मेरा सन्डरी डेटर्स के अंदर। ठीक है, ये कहीं का भी पार्टी रहे उससे हमको अभी मतलब नहीं है। ठीक है, ये हम नॉर्मल लेजर क्रिएट कर लिए। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं अभी। ठीक है, इसको एक्सेप्ट करिए। उसके बाद पार्टिकुलर्स में पूछ रहा है, तो पार्टिकुलर्स में जो है अब हमको बताना है कि हम उसको अभी देखिए, यहाँ पे पार्टिकुलर्स हम यहाँ पे लिए, यहाँ पे अभी क्या था, गुड्स वाला था, तो हम आइटम तो उनको बेच नहीं रहे हैं, हम उसको क्या बेच रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं अपना। तो यहाँ पे आप एक सर्विस का लेजर बना लीजिए, मान लीजिए आप यहाँ पे एक लेजर बना लीजिए इवेंट सर्विसेस। ठीक है, इवेंट सर्विसेस, और उसको आपको यहाँ पे रख लेना है। अब देखिए, यहाँ पे दो चीज हो सकता है, या तो आप उसको इनडायरेक्ट इनकम में रख सकते हैं या फिर आप उसको सेल्स के अंदर रख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स अकाउंट के अंदर आप इसको रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सेल्स अकाउंट यहाँ पे है तो यहाँ पे आप एक अल्ट सी करके आप यहाँ पे एक अंदर जा सकते हैं, यहाँ पे एक लेजर बनाइए सेल्स ऑफ सॉरी ग्रुप बनाइए सेल्स ऑफ सर्विस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रखिए इसको सेल्स अकाउंट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया सेल ऑफ सर्विस, तो जब आप पीएल अकाउंट जब चेक कीजिएगा तो वहां पे आपको दिखेगा सेल ऑफ सर्विस, अभी हम दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद इवेंट सर्विसेज में आपका कितना का था, यहाँ पे आपका था 2,74,100 रुपये, 2,74,100 रुपये। ठीक है, हम 1 अप्रैल का भी एंट्री ले रहे हैं, 1 अप्रैल 2023, या फिर आज का ही डेट का ले लेते हैं ना, 26 अक्टूबर 2023 का हम एक एंट्री ले लेते हैं। ठीक है, ये एंट्री ले लिया हम 26 अक्टूबर का, अब इसको हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। इसके बाद हम पहले आ जाते हैं पीएल में। अगर हम पीएल अगर हम चेक करें, यहाँ पे आप देखिए सेल्स अकाउंट के अंदर आपको यहाँ पे सेल ऑफ सर्विस दिख रहा है 2,74,100। ठीक है, जो कि एकदम परफेक्ट एंट्री है, आपको एकदम इसमें आपको सोचना ही नहीं है कि एंट्री गलत हो रहा है। आप या तो इसको सेल ऑफ सर्विसेज में रखिए, ठीक है, सेल्स अकाउंट के अंदर, या फिर आप उसको इनडायरेक्ट इनकम के अंदर भी रख सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब, अगर आप बिल अप्रेज कर दिए, ठीक है, अगर किसी पार्टी से आपका बात हो गया, भले वो पैसा आपको बाद में दे या पार्ट पार्ट करके दे या उधारी दे, उससे कोई मतलब नहीं है, पीएल को वो हिट कर जाएगा। अगर आप उसको सेल्स के अंदर रख रहे हैं तो वो ट्रेडिंग अकाउंट पे हिट कर जाएगा, अगर आप उसको इनडायरेक्ट इनकम के अंदर रख रहे हैं तो वो पीएल अकाउंट को हिट कर जाएगा।
ठीक है। तो अल्टीमेटली जो है आपको यहाँ पे पीएल में ये आ गया 274,100 रुपया जो कि आपने इसका सर्विस दिया। अब बात करते हैं इसका पैसा का, ठीक है। तो अभी आप बैलेंस शीट अगर हम देखें तो बैलेंस शीट में अगर आपको यहाँ पे देखिए दिख रहा है कि संडे डेटर 274,100 रुपया का खड़ा है, ठीक है। अब देखिए आपको इसमें ज्यादा जो है दिक्कत वाला बात था नहीं, 274,000 आपको रिसीवेबल वगैरह कुछ खड़ा करने की जरूरत नहीं है। डेटर्स में अब इसको रख लिए 274,100। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि यहाँ पे मान लीजिए वो पेमेंट कर रहे हैं ना, 1,01,000 रुपया 1 दिन के बाद पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे 1,01,000 रुपया का पेमेंट रिसीव कर लीजिए 27 तारीख को, 27 अक्टूबर को रिसीव कर लीजिए, किससे, XYZ से, ठीक है। 1,01,000 रुपया लेट सपोज उसने पेमेंट किया जो कि मेरा बैंक अकाउंट में आया या कैश आया, मान लीजिए हम यहाँ पे कैश में ले रहे हैं, ठीक है, नहीं तो अभी लेजर बनाना पड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको ऐसे एंट्री कर लिए। अब हम यहाँ पे आते हैं बैलेंस शीट में, तो आप देखिए संडे डेटर्स जो है मेरा 1,73,100 रुपया हो गया, कैश इन हैंड मेरा 1,01,000 रुपया आ गया। तो ये मेरा हो गया एंट्री। आप इस तरह से कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हम चलते हैं आपके क्वेश्चन के ऊपर, जो आपने बोला कि हम रिसीवेबल में एंट्री करना चाहते हैं, तो अब हम चलिए उसको भी देख लेते हैं कि अगर वैसा रहेगा तो हम उसको कैसे किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी हम एंट्रीज किए हैं वो हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब हम वापस से एक एंट्री करते हैं, ठीक है। वाउचर मोड में हम एंट्री कर रहे हैं। अब हम आप जो बोल रहे थे जर्नल में एंट्री करते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि हम जो ये क्या बोलते हैं जो मेरा डेटर है वो मेरा डेबिट हो जाएगा, कितना से, 274,100 जो आपको पहला एंट्री था वो बता रहे हैं 26 अक्टूबर को आज के डेट में, ठीक है। अब क्रेडिट क्या हुआ, तो हमने उन्हें क्या दिया, एक सर्विसेज का जो है अपना हम उसको क्या दिया, इवेंट सर्विस प्रोवाइड किए, तो एक तरह से ये मेरा क्या हो गया, इनकम हुआ, ठीक है। तो इवेंट सर्विसेज हम ले लिए। अब इसको क्या करना है ना, हमको यहाँ पे सेल ऑफ सर्विसेज में ना रख करके इसको आप रख लीजिए इनडायरेक्ट इनकम के अंदर, ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम के अंदर रख लीजिए। इसको 274,100 रुपया का एंट्री करके इसको जो है यहाँ पे एंट्री एक्सेप्ट कर लीजिए। अब देखिए हम आते हैं पहले पीएल में, ठीक है। पीएल में देखिए ये इनडायरेक्ट इनकम के अंदर घुस गया, इवेंट सर्विसेज 274,100, यानी कि इतना का जो है हम उनको सर्विस दिए, ठीक है। बैलेंस शीट में आएंगे तो बैलेंस शीट में अभी क्या आ रहा है, संडे डेटर्स के अंदर 274,100। अब आपका कहना है कि ये जो अमाउंट है वो मेरा रिसीवेबल में दिखे, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे एक सिंपल सा एंट्री पास करना है। 26 अक्टूबर को आप यहाँ डेटर क्रिएट किए थे, तो आप 26 अक्टूबर को ही एक और जनरल एंट्री मार लीजिए। अभी आपका क्या हो रहा है, डेटर डेबिट बैलेंस है, तो डेटर को हमको क्या करना है, नील करना है बैलेंस। अब उसका बैलेंस को ट्रांसफर करना है रिसीवेबल में, तो यहाँ पे एक लेजर बनाइए बिल्स रिसीवेबल करके, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल, और इसको आप रख लीजिए करंट एसेट्स में, ठीक है, करंट एसेट्स में आप इसको रख लिए। अब उसका बैलेंस को हमको पूरा करना है नील, ठीक है, 274,100, ठीक है। तो डेबिट बैलेंस था एक्स वाई जेड का, तो इसको हम कर दिए क्रेडिट, तो यहाँ देखिए एक्स वाई जेड का बैलेंस जो हो गया वो नील हो गया, ठीक है, उसका बैलेंस इसमें ट्रांसफर हो गया। आप यहाँ पे नरेशन लिख दीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। अब हम आते हैं बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में आप देखिए डेटर्स जो है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जीरो हो गया, और उसका बैलेंस सारा ट्रांसफर हो गया बिल्स रिसीवेबल में, यानी कितना आपको उससे रिसीव करना है। अब क्या हुआ, 1 दिन बाद यानी 27 तारीख को वो 1,01,000 रुपये हमको पेमेंट किया, 27 तारीख को रिसीट हुआ किससे, अब हमको एक्स वाई जेड से रिसीव नहीं हुआ। अब हम क्योंकि एक्स वाई जेड का तो बैलेंस हम जीरो कर दिए, उसका बैलेंस को हम ट्रांसफर कर दिए बिल्स रिसीवेबल में, तो बिल्स रिसीवेबल को हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे 1,01,000 से, ठीक है। और यहाँ पे डेबिट हो जाएगा मेरा कैश, कैश में आया या बैंक में आया, ठीक है, उसके हम रिसीव कर लेंगे। अब हम वापस से चलते हैं बैलेंस शीट में, तो यहाँ पे देखिए कैश इन हैंड मेरा 1,01,000 रुपया आ गया, अब बिल्स रिसीवेबल का जो बैलेंस है वो मेरा यहाँ पे जो है वो घट गया, तो ये करंट एसेट्स में हो गया बिल रिसीवेबल। आप जो है एंट्री उसको उल्टा कर रहे थे, आपको थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, जिसके कारण आपका इफेक्ट जो है उल्टा रहा था, आपको नेगेटिव बैलेंस दिख रहा था। तो आप इस तरह से इसका एंट्री कीजिए, कहीं से कोई भी गलत नहीं, हम दोनों तरीका बता दिए, आप उसको सेल में भी रख सकते हैं। आप बिल्स रिसीवेबल में जरूरी नहीं कि आपको करना ही है, आप संडे डेटर्स के अंदर भी आपको उसको आप नॉर्मल उसको रखिए एंट्री, आपको मतलब बैलेंस झूठ मूठ का नील करने का कोई जरूरत नहीं है। संडे डेटर्स के अंदर रहेगा तो वो ज्यादा परफेक्ट होगा, क्योंकि आप वहाँ पे नेम वाइज आप वहाँ पे बाइफर्केट कर सकते हो, क्योंकि आप एक क्लाइंट को तो आप अपना सर्विस दे नहीं रहे, आप मोर देन वन क्लाइंट होगा, तो वहाँ पे आपको बाइफर्केशन में आप देख सकते हो कि डेटर्स मेरा किस क्लाइंट से मेरा कितना रुपया मेरा भी लेने को बाकी है, तो आप वैसे कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बिल्स रिसीवेबल के अंदर रखना तो आप ऐसे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करते हैं इस वीडियो में हम जो आपको बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं पे कुछ डाउट रह गया हो तो आप हमको कमेंट करके पूछिए, या फिर आप हमको मेल अपना क्वेरी जो है मेल कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो फिर से बनाएंगे। धन्यवाद।